भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है। देश के लिए कुछ करने का मौका जाने ना दें, मतदान के दिन अवश्य मतदान करें। नमस्कार, मैं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। हम इस वक्त सेंट मैरिज स्कूल पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दिव्यांग बूथ बनाया गया, जो कि कड़ी व्यवस्था है, सुरक्षा भी पूरी तरीके से तैनात है। लोग सुबह से ही अपने मतों को देने के लिए बूथ पर पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ देख रहे हैं कि लोग मतदान कर रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ प्रशासन की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। मिर्जापुर में फर्स्ट वोटरों से भी आज हम लोग मिलेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे कि इस बार जो वोट दिए हैं किन मुद्दों पे दिए हैं, कैसा लगा वोट देकर। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय पांडे है और मैं बीटेक का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर जेएलई यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ इस समय। और मेरे लाइफ का पहला वोट है और ये वोट दे के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी रहता है कि कैसे मतलब क्या वोटिंग सिस्टम रहता है, कैसे क्या चलता है, और हम पहली बार चुनाव करने आ रहे हैं अपने नेता का। तो अच्छा, कैसा लगा आज वोट देकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहला वोट ही मेरा प्रधानमंत्री को जा रहा है और देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है और हमारे मिर्जापुर का सांसद जी कौन बनता है। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह और कितना जोश दिख रहा है फर्स्ट वोटरों में। ऐसे ही कुछ आगे भी आपको दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? विद्यासागर सिंह। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या लग रहा है इस बार आपको? वोट करने गए थे, क्या सोच के गए थे? अब हम लोग तो भाई वैसे ही क्लियर है, जिसको वोट देना है भाई, हम लोग तो अनुप्रिया पटेल को ही वोट दिया है भाई, हम भी पटेल है। नहीं, हम तो बता दिए ना कि अनुप्रिया पटेल को वोट दिए, इसमें थोड़ी अरे ठीक है, काल का चोरी है। अगर बताना चाह रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, क्या सोच के दिए? काम हुआ था? अरे काम हुआ है, अब जिसे की किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं हुआ है। अनुप्रिया पटेल जो काम करती है, सीधी सीधा बात, जो सबके लिए समानता काम करती है और कुछ नहीं है। तो आगे तीसरी बार उनका क्या हैट्रिक होने वाला है, आपको क्या लग रहा है? अब तो होना तो चाहिए। आज तक यही सुना गया है कि मिर्जापुर में तीसरी बार हैट्रिक कोई नहीं बना पाया। नहीं, तो हैट्रिक हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, इसमें दाग। तो आइए हमारे साथ और लोग भी जुटे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वयं तिवारी है। जी, क्या इस बार वोट कर लिया आप? अभी नहीं। अच्छा, तो क्या इस बार मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे आप? देखिए, मुद्दा ये है सुरक्षा, भाजपा सरकार में बहुत सुरक्षा है, तो अनुप्रिया पटेल को ही हम लोग वोट करेंगे। तो ये बताइए, 10 साल से यहाँ सांसद रही, कितना काम किए हैं? काम किए कि कागजों पे ही काम हुआ? नहीं, काम तो किए हैं। देखिए, इसमें कोई ऐसे ऐसे बात नहीं है हवा में, काम तो किए हैं। मिर्जापुर जैसे जिला में अगर मेडिकल कॉलेज जैसा सुविधा मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज जैसा कॉलेज आया, यहाँ पे पुल बन रहा है, शास्त्री पुल, वो भी डबल बन रहा है, और विंध्य कॉरिडोर बना, बहुत काम हुआ यहाँ पर। हाँ, आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुनीता। क्या लग रहा है, इस बार वोट करने गई थी, क्या सोच के गए? सोच करके विकास के लिए सोच के गए थे कि अपने इधर का विकास हो, और क्या है, स्कूल कॉलेज यही सब। तो 10 साल से यहाँ सांसद थी अनुप्रिया पटेल, क्या लग रहा है, उन्होंने विकास किया था? बिल्कुल विकास किया। जी जी, अंकल जी, नाम क्या है? अभयराज सिंह, एडवोकेट। क्या सोच के वोट दे रहे हैं? हम सोच के ये दे रहे हैं कि अच्छी सरकार, अच्छी प्रगति के लिए अच्छा बहुमत उसका होना आवश्यक है। तो इस बार भी बच्चे जो सरकार है, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या लग रहा है? जिसको 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 आना ही नहीं है सत्ता में, वो तो बहुत बड़ा वादा कर ले, क्या फर्क पड़ता है? हम कह दें कि इंडिया को बेच देंगे हम सत्ता में, जब आएंगे सत्ता में हम आएंगे ही नहीं तो इंडिया को बेचेंगे क्या? तो तीसरी बार हैट्रिक मिर्जापुर में कोई नहीं किया, क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, ये चूंकि कार्य पे कार्य के ऊपर, मोदी सरकार की कार्य के ऊपर इनका वर्चस्व है। तो यहाँ कुछ आपने कहा भैया जो है कि, ये बताइए क्या नाम है आपका? रोहित दुबे हमारा नाम है। ये बताइए क्या लग रहा है, वोट करें आप? जी, वोट किया है। क्या जो है, बीजेपी जीत रही है, अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का जो है, तो इसलिए अब की बार 400 पार होगा, और इस बार तीसरी बार अनुप्रिया जी हैट्रिक लगाएंगी, जो आज तक नहीं हुआ है वो अब होगा। जो है राहुल जी और अखिलेश भैया सब पीछे हैं इस टाइम, कोई इनके टक्कर में, कोई वादा नहीं है भैया, सब झूठा वादा है। अभी आप आएगा रिजल्ट देख लीजिएगा, सब झूठा वादा है। अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, वो होके रहेगा, और मिर्जापुर की सीट जो है अनुप्रिया जी जीत गई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुटे थे, आइए हम कुछ लोग से और भी जानकारी लेंगे। 8:30 बज रहे हैं, यहाँ बूथों पर
मतदान की जो वोटर हैं वो अधिक से अधिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा खुशमिजा टाइप का है। तो यहाँ पे लोग जो जुड़े हैं, जो सुबह से वोट देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी शोभित, शोभित त्रिपाठी। भैया इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो सबसे पहला ये है कि विकास, विकास के आधार पर ही वोट देना और जो हर एरिया में जो सबसे अच्छा काम किया है उनको वोट करना। जी तो इस सरकार में यहाँ 10 साल से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और उन्होंने क्या कितना काम किया आपको क्या लगता है? जी उन्होंने काम तो किया है, मतलब रोड पे, उसके बाद फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है और इंफ्रा पे भी काम किया है, तो काम किया उन्होंने। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? बलासी सोरेन। क्या सोच के वोट कर रहे हैं इस बार? वही कुछ मिलेगा बोल के। क्या मिलेगा? अब जो भी मिलेगा, जब मुद्दे क्या है? मोदी जी जो देंगे, मोदी जी कैसे तो बोलेंगे, हम पैसे देंगे तो पैसे थोड़े देगा। तो दे रहे हैं आपको, अभी कहा राशन कार्ड के लिए तो हम 20 साल से कह रहे हैं, कोई बना ही नहीं रहा है। अच्छा तब क्या करें हम? चलिए तो और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा प्रमोद सुनकर। क्या इस बार मुद्दे हैं, वोट देने जा रहे हैं, क्या सोचे हैं? क्या सोचे क्या है, मतलब वोट देने आए हैं इसलिए कि विकास हो हमारे देश का और अच्छा से चले, और क्या। ठीक है आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमित मिश्रा। भैया इस बार क्या मुद्दे हैं, वोट देने जा रहे हैं, क्या सोचे जा रहे हैं? वोट देने अपना मतदान करने जा रहे हैं, और क्या। क्या सोच के जा रहे हैं इस बार, कि जैसे 10 साल से यहाँ सांसद थी, क्या लगा कि काम किए हैं कि और कुछ परिवर्तन चाहते हैं? काम तो नहीं किए हैं, काम नहीं किए, कोई परिवर्तन नहीं करे हैं। अच्छा है। युवा के लिए अनुराग तिवारी। क्या सोचे हैं इस बार वोट देने जा रहे हैं? अब भैया सोचे हैं जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, जो काम करेगा। तो मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी यही सोच कर जा रहा है। बताइए भैया आप क्या कहें? युवा के लिए सबसे बड़ा बेरोजगारी है, बस यही, और बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। चाचा भैया क्या नाम है? मेरा नाम है अजय कुमार पांडे। क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? सोच रहे हैं कि हमारा जो है मोहल्ले का विकास हो, देश का विकास हो, ऐसे ही सोच के जा रहा हूँ। विकास का मुद्दा यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और बेरोजगारी का, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त दिखाई दे रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज़ पर।